नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने अभी तक चैनल बैनर नहीं लगाए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो चलिए आप लोग का बैनर दो मिनट में बता देता हूँ, बैनर कैसे बनाया जाता है, सिर्फ दो मिनट, ओनली फॉर दो मिनट। सो चलिए फिक्सर ले पे ले चलते हैं। इससे पहले आप एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मजा आया। और प्लस में बेल आइकन को भी दबा, और मैं ये जो मजा है आने वाली हर वीडियो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं रहेगी। फिक्सर लैब ओपन हो गया है, इसमें यहाँ साइज लीजिए। साइज लेने के बाद आप यहाँ से यूट्यूब चैनल बैनर ले लीजिए। बैनर लेने के बाद अब लेफ्ट कॉर्नर में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे जाइए। आप फ्रॉम गैलरी आया, गैलरी में आने के बाद आप यहाँ से ले लीजिए इसको, यहाँ से सेलेक्ट करके अब इसको एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट यहाँ तक कर दीजिए, अब यहाँ से लॉक कर दीजिए ताकि इधर उधर खिसके नहीं। अब यहाँ से प्लस में जाने के बाद टैक्स लिखेंगे, टैक्स जो कि आपका चैनल का नाम होगा। जैसे मेरे चैनल का नाम है न्यू टैक स्पोर्ट, न्यू टैक स्पोर्ट दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके होने के बाद इसको एडजस्ट कर लीजिए यहाँ से अपने हिसाब से, यहाँ से अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिए। और इसको फॉन्ट ले लीजिए, फॉन्ट ए में जाने के बाद फॉन्ट ले लीजिए, यहाँ से फॉन्ट ले लीजिए। फॉन्ट लेने के बाद इसमें से जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है फॉन्ट ले लीजिए, यहाँ सेलेक्ट कीजिए फॉन्ट और यहाँ से ओके कर दीजिए। फॉन्ट आ गया, इसको थोड़ा सा इधर उधर खिसका दीजिए, हो गया, एडजस्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा कलर दे देंगे, कलर में जाइए, यहाँ से कलर ले लीजिए। अब जो मन कर रहा है आपका कलर देने का, ये दीजिए कलर, देखिए ठीक है, ये भी कलर ठीक है। और स्पोर्ट में भी यहाँ से कलर ले लीजिए, कलर का जो इच्छा करता है कलर, ये अच्छा लगता है ये ले लीजिए, ये अच्छा लगता है ये ले लीजिए, लाल लाल अच्छा लगता है ये भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए जो कलर अच्छा लगता है, ये सूट करता है, ठीक है। अब इसको ओके कर देते हैं। अब इसमें फिर एक टैक्स जोड़ेंगे, टैक्स जोड़ने की इसमें लिखेंगे सब्सक्राइब नो, ओके कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लीजिए और इसको भी यहाँ से दे दीजिए। अब ओके कर दीजिए, हो गया आपका सूटेबल हो गया। अब ये हो सक, आप यहाँ से भी इसको भी अपना फॉन्ट ले सकते हैं, फॉन्ट ले लीजिए यहाँ से, फॉन्ट इसमें से जो अच्छा लगता है फॉन्ट ले लीजिए, फॉन्ट ओके कर दीजिए, हो गया। आप इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लीजिए, हो गया, इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब इसमें से अब यहाँ एक PNG देंगे, इसमें यहाँ से प्लस वाला चिन्ह पे ले लीजिए, यहाँ से PNG दे देते हैं आपको, यहाँ से PNG ये वाला PNG ले लीजिए, PNG इसको छोटा सा कर लीजिए। इसको छोटा होने के बाद एडजस्ट कर लीजिए यहाँ से, इसका भी कलर चेंज कर दीजिए, इसका कलर चेंज कीजिएगा, कलर चेंज कर दीजिए इसको, यहाँ से वाइट ले लीजिए, हो गया। अब देखिए आपका जो है 90% बन गया। और एक PNG और लेते हैं, इसमें प्लस में जाने के बाद एक PNG और ले लेते हैं। इसमें PNG है आपका ई वाला PNG, जो इसको छोटा कर लीजिए, यहाँ से लगा लीजिए। फिर इसी को कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी होने के बाद इसको जो है इधर कर लीजिए, इसे रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट होने के बाद इसमें जो है कलर ले लीजिएगा, कलर दे दीजिएगा ब्लैक, वाइट नहीं लगेगा, ब्लैक दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा वाइट पे, देखिए हो गया। अब इसमें अपना फ़ोटो ऐड करेंगे, जो लोग अगर लोगो लगा सकते हैं या फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, ले लीजिए यहाँ से इसको जो है प्लस पे निशान करके यहाँ से ऐसे ही बना लीजिएगा PNG। बस इसको जो है थोड़ा छोटा एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक नहीं लग रहा है इसमें थोड़ा सा हमको इसको देना स्ट्रोक दे दीजिए, स्ट्रोक देखिए स्ट्रोक दीजिएगा और अच्छा लगने लगेगा, देखिए स्ट्रोक दे दीजिए, देखिए स्ट्रोक दे दीजिए, कितना सुपर लगने लगा दिखने में। सो आप लोग का देखिए यहाँ तक हो गया, सब चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसको जो है जितना भी है सबको
लॉक कर दीजिए। लॉक हो गया सब। लॉक होने के बाद आप इसका जो है बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए, आप कोई भी बैकग्राउंड ले लीजिए। देखिए हो गया आपका रेडी हो गया। इसका भी चाहते हैं तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें ग्रेंटियर कलर में जाइएगा, यहाँ से प्लस पे जाइएगा, यहाँ देखिए जो कलर चुनिएगा इधर से आ जाएगा, यहाँ से ले ले सकते हैं, ऐसे दूसरा कलर चुन सकते हैं, यहाँ से दूसरा ले सकते हैं, और यहाँ से प्लस पे कीजिएगा तो आप देखिए ये आ गया, आप इधर से इधर कर सकते हैं और ओके कर दीजिएगा। देखिए आपका बैकग्राउंड। ये वीडियो हमारी कैसी लगी से आप लोग चैनल कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए आप लोग धन्यवाद तहे दिल से आप लोग फुल वॉच करने के लिए।